इंडिया बेस्ट ड्रामेबाज में सेमीफाइनल तक का सफर तय करने के बाद सोहम वर्मा अपने शहर सोलन पहुंचे, जहां सभी ने उन्हें अपनी पलकों पर बिठाया। सोहम का स्वागत व आशीर्वाद देने स्वयं पुलिस अधीक्षक मधुसूदन शर्मा सहित कई गणमान्य लोग पहुंचे थे। इस अवसर पर उन्होंने नन्हे कलाकार का ऑटोग्राफ तक लिया। हर कोई उनसे मिलने को बेताब था। सोहम ने भी बड़ों से आशीर्वाद लिया और युवाओं के साथ जमकर सेल्फी खिंचाई। सोलन पहुंचने पर सोहम की खुली जीप में पुराने डीसी चौक से शूलनी मंदिर तक ले जाया गया। सोहम के पिता संजय वर्मा ने कहा कि उन्हें अपने बेटे पर फख्र है। उन्होंने कहा कि सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए सोहम की कड़ी मेहनत रंग लाई है। उन्होंने कहा कि अभी तक उनका उद्देश्य केवल सोहम की पढ़ाई है, लेकिन वो सोहम को एक ऊंचे मुकाम पर देखना चाहते हैं। मेरा बेटा सोहम वर्मा जो है वो आज जी टीवी पर इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज में सेमी फाइनलिस्ट तक पहुंचा है और उसने वहां बहुत अच्छा किया है। सबने उसकी खूब तारीफें की है और मतलब सबसे ज्यादा हिट सुपर डुपर हिट जो है और सबसे ज्यादा स्टैंडिंग ओवेशंस भी उसी को मिली है। जो टीवी पे दिख रहा है वो सिर्फ ये दिख रहा है कि अच्छा लग रहा है 3 मिनट या 4 मिनट, उसके पीछे जो मेहनत है वो सुबह 7 बजे से शाम को 11 बजे तक की मेहनत है। हम तो इसको बहुत ऊपर देखना चाहते हैं और हम देख भी रहे हैं। जो जिसको इसको प्रपोजल्स बहुत अच्छे अच्छे आए हैं तो हमें पता है ये बहुत ऊपर तक जाएगा और अभी तो हमारा फोकस जो है अभी पढ़ाई पे है, लेकिन एक टाइम आएगा जब ये बहुत कहीं नजर आएगा।